हे नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरी सेमेस्टर फार्मेसी दोस्तों, आज हमारे पास ये ओरल सस्पेंशन है दोस्तों। आज हम इसके बारे में बताएंगे, इसके मेन यूज़ बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, यानी कि इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी पाने के लिए आपका कोई सवाल है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं दवाई के बारे में। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो हमारे पास ओरल सस्पेंशन है दोस्तों, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है एक्वा D3 नैनो दोस्तों सॉल्यूशन। तो दोस्तों, इसका कंपनी ने नाम रखा है। तो दोस्तों, ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होता है, हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, जिसका आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। अब मैं इसके आपको MRP के बारे में बता देता हूँ कि इसकी क्या MRP होती है। तो दोस्तों, इसकी जो MRP है वो 75 रुपये का ये मार्केट में मिल जाता है, यानी कि घटती बढ़ती रहती है टाइम के हिसाब से, यानी 75 रुपये का मिल जाता है। और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यानी एक्सपायरी डेट होती है बनाने का टाइम, तो इसका होता है ये 22 से 24 तक, यानी 2 साल तक ये चल जाता है। और ये इसका जो ये अलग अलग फ्लोर में भी आता है दोस्तों, और ये शुगर फ्री है, यानी डायबिटीज़ वालों के लिए है ये, और ये डायबिटीज़ शुगर फ्री भी आता है और इससे मीठा भी आता है। यानी कि अब चलिए दोस्तों, इसकी बेसिक जानकारी में इसके सॉल्ट यानी फार्मूले यानी कंटेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या सॉल्ट है। तो दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ एक ही है, विटामिन D3 है दोस्तों। तो ये विटामिन D3 क्या होता है मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो इसका जो सॉल्ट फार्मूला है वो विटामिन D3 है। मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ इसके यूज़ कि इससे किस चीज़ में यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारी मतलब शरीर के लिए विटामिन D3 की जब कमी हो जाती है तब जैसे मतलब हमें खाने पीने में, सबसे पहली बात अगर हमें खाने पीने में हरे पत्ते की सब्ज़ी में विटामिन D3 नहीं मिल पा रहा, हमारा खान पीन ठीक नहीं है तो विटामिन D3 हमें नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात अगर हम खान पीन अपना अच्छा रखेंगे तो हमें विटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब दवाई के थ्रू बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, हमें फ्रूट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो यूज़ होता है वो पोषण की कमी यानी खाने पीने में कमी हो जाती है, या विटामिन D3 हो जाती है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लेते हैं, या सूखा रोग हो जाता है उसमें इसका यूज़ लेते हैं। अब मैं थोड़ी सी इसकी परिभाषा बता देता हूँ। जैसे दोस्तों, किसी के बाल टूटते हैं या दांत मतलब हड्डियों में दर्द होता है या दांत टूटते हैं, तो उस कंडीशन में आपके कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन D3 की कमी हो जाती है, तो ये उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है उस बीमारी में। जो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, जो हमारी बोन होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उन्हें भी मजबूत करता है, और दांतों को मतलब दांत भी एक हड्डी होती है तो उसे भी मजबूत करता है, और हमारे शरीर में दोस्तों विटामिन की कमी को तो पूरे करता है और ताकत लाता है। मतलब हमें थकान जो होती है दिन में, या मतलब अजीब सी चुस्ती आ जाती है, थकान सी होती है, तो वो भी ये दूर करता है, क्योंकि ये ताकत के लिए ही ये बनाया गया है। तो ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है, जो हड्डियों में फ्रैक्चर होता है उन्हें भी होने से रोकता है, तब हड्डी मजबूत हो जाएगी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारे शरीर में मतलब ताकत लाता है दोस्तों, तो ये हड्डियों को मजबूत करता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये दोस्तों डब्बे में बॉक्स में 4 आती हैं। इस हफ्ते इसके डोज में बात करेंगे कि इसे कितना कितना लेना होता है। तो दोस्तों, मैं इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट बता देता हूँ विटामिन D3 के। तो दोस्तों, इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे आँखें आना या सिर दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, दुबलापन होना, या दस्त लगना, या खून की मात्रा ज़्यादा होना, तो ये कुछ दोस्तों इसके कॉमन से साइड इफेक्ट हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको कोई साइड इफेक्ट दिखे तो इससे तुरंत लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट सॉल्यूशन दे सके। तो दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ इसकी ये विटामिन D3 के साथ में कैल्शियम भी अगर होता डला हुआ, जैसे टेबलेट फॉर्म में आता है या सिरप फॉर्म में भी आता है विटामिन D3 कैल्शियम जैसा आप देख रहे हैं, तो वो और काफ़ी अच्छा होता है, वो हमारे शरीर को ताकत, ये खाली विटामिन D3 है, तो ये कैल्शियम के साथ में भी मिल जाता है जैसे आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। तो अब दोस्तों, मैं इसकी डोजेस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इसकी जो डोजेस होती है, इसे हफ्ते में 5 ml की ये सिरप होती है, 5 ml में आती है ये जैसे आप देख रहे हैं। तो इसे हफ्ते में एक बार इसे लेना होता है, रात में खाना खाने के बाद सोते टाइम पूरी इस सिरप को एक बार में ले लेते हैं। और दोस्तों, अगर ज़्यादा समस्या होने पर कभी कभी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, 2 हफ्ते में 2 बार भी इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसे सिर्फ एक ही बार लेना होता है हफ्ते में। तो अब मैं दोस्तों आपको बात बता देता हूँ कि इसका जो इसके जो मतलब ये जो इसकी मैं सावधानी कुछ बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे गर्भवती महिला होती है उसके लिए भी ठीक होता है, और जैसे स्तनपान करने वाली महिला होती है जो प्रेगनेंसी की तैयारी करती है उसके लिए भी ठीक होता है, या दोस्तों ये जिगर वाले, हार्ट वाले और लीवर वाले के लिए भी बिल्कुल सेफ होता है, इसे बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं इसके मेन यूज़ बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके जो मेन यूज़ इसके साथ में एक इसकी मैं सावधानी और बता रहा हूँ कि इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ नहीं करें दोस्तों। तो इसका जो यूज़ लिया जाता है वो हमारे पोषण की कमी को पूरा करता है, मतलब जो खाने में विटामिन नहीं
मिल पाती है उसको ये पूरा करता है, बाहर से लेना पड़ता है। और दोस्तों ये विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। और दोस्तों ये हमारे जो दांत कमज़ोर हो जाते हैं उनको मजबूत करता है, टूटने से रोकता है, हड्डियों को मजबूत करता है, फ्रैक्चर होने से रोकता है, जो हमारे बाल वाल टूटते हैं उन्हें भी मजबूत करता है दोस्तों, और हमारे शरीर में नई शक्ति प्रदान करता है, ताकत लाता है। तो ये ताकत के लिए ही ये विटामिन D3 सॉल्यूशन है दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस मेडिसिन के बारे में अगर आपका कोई कमेंट बॉक्स में सवाल हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम इसके आपको सवाल का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।